हे गाइस, वेलकम बैक टू टेलीवुड रीप्ले। तो गाइस, कलर्स टीवी का नया सीरियल जिसका नाम है कृष्ण मोहिनी, इस शो को स्टार्ट हुए अब काफ़ी दिन हो चुके हैं। इस शो में देवोत्तमा साहा और फरमान खान मेन लीड्स प्ले करते हैं। लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सीरियल को लेकर और शो को वैसे अच्छे रिस्पॉन्स भी मिला है ऑडियंस की तरफ से। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि TRP रेटिंग के मामले में शो ने कैसी परफॉर्मेंस दी अपने फर्स्ट वीक में, क्या ओपनिंग TRP लेकर आ पाया है। तो गाइस, अपने पहले हफ्ते में कृष्ण मोहिनी लेकर आया है 0.9 की TRP रेटिंग और ये TRP लेकर आया है 7 बजे की टाइम स्लॉट पे कलर्स टीवी पे। तो गाइस, ये सीरियल को लाने के लिए इन्होंने उड़ारियों की टाइम स्लॉट शिफ्ट करी, बदली और उसे और पीछे भेज दिया टाइमिंग में, यानी कि और शाम पे भेज दिया, अर्ली इवनिंग वाली टाइम स्लॉट उसे दे दी और ये सीरियल को लेकर आए। और बिकॉज़ ये चाहते थे कि उड़ारियाँ से बेटर TRP ये सीरियल लेकर आ पाए। उड़ारियाँ बहुत टाइम से कलर्स टीवी को TRP रेटिंग के मामले में डिसअपॉइंट कर रहा है, पहले जैसे TRP रेटिंग उड़ारियाँ लेकर नहीं आ पा रहा था। उनकी TRP रेटिंग जो है पहले 1.5 के अराउंड आराम से आ जाया करती थी, उतनी वो लेकर नहीं आ पा रहे थे, ऊपर से IPL इफेक्ट भी पड़ रहा था। लेकिन अब कृष्ण मोहिनी की बात करें तो गाइस, इसकी भी TRP रेटिंग में कुछ खास ऐसी इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिली है। सेम उसी तरह की TRP रेटिंग लेकर आया है जैसे कि उड़ारियाँ लेकर आ रहा था। एंड वैसे अभी IPL का इफेक्ट भी पड़ा हुआ है, तो 7 बजे के टाइम स्लॉट पर उड़ारियों पर भी पड़ रहा था और कृष्ण मोहिनी नए सीरियल पर भी पड़ ही रहा है। तो इस करके हम सीरियल को पूरी तरह से जज नहीं कर सकते अभी के लिए कि ये शो हिट है या फिर फ्लॉप है। जब IPL ख़त्म हो जाएगा उसके कुछ हफ्तों के बाद ये 7 बजे पे कैसी परफॉर्मेंस देता रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी TRP रेटिंग में कुछ खास उछाल आता है, इंक्रीज़ वगैरह होता है, 1+ से ज़्यादा अच्छी TRP भी लेकर आता है, फिर तो वो सही रहेगा कि कलर्स टीवी का डिसीजन जो है वो उड़ारियों को रिप्लेस करने का सही था। लेकिन अगर इसकी TRP रेटिंग ऐसी ही रहती है 0.9 के अराउंड की, तो फिर तो उड़ारियों की TRP रेटिंग ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स 7 बजे के टाइम स्लॉट पर इससे बेटर थी रीसेंट वाले टाइम्स में भी। तो इस तरह से अभी के लिए तो ये शो को रिप्लेस किया है उड़ारियों के साथ, तो ऐसा कुछ खास फ़ायदा कलर्स टीवी को देखने को नहीं मिला है ये सीरियल को लाकर और इसको 7 बजे पे रिप्लेस कर। लेकिन आने वाले हफ्तों में TRP रेटिंग में कुछ भी हो सकता है, बिकॉज IPL जब आता है या फिर IPL जब जाता है तो TRP में कुछ बड़े चेंजेस होते हैं। उन बड़े चेंजेस से सीरियल या तो हिट भी हो सकता होता है या फिर फ्लॉप भी हो सकता होता है। तो कृष्ण मोहिनी में क्या चेंजेस होंगे वो हमें आने वाले हफ्तों में पता चलेगा। फिलहाल के लिए इसे हिट या फिर फ्लॉप कहना सही नहीं रहेगा, लेकिन अभी के लिए जो इसकी फर्स्ट वीक की TRP रेटिंग आई है वो डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस जितनी अच्छी नहीं आई है। कलर्स टीवी वाले चाहते हैं कि 7 बजे के टाइम स्लॉट पे 1.5 की TRP एटलीस्ट आए। उड़ारियाँ 1 की TRP लेकर आ रहा था, कभी कभी 0.9 भी जा रहा था आजकल IPL के कारण, लेकिन पहले ऐसे TRP लेकर नहीं आ पा रहा था और ये सीरियल 1.0 को भी टच नहीं कर पाया है। तो गाइस, आप समझ ही गए होंगे, कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में IPL के बाद क्या ये शो बेटर TRP कर सकते हैं नहीं, आपको शो कैसा लगा ये भी बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। सारी अपकमिंग कृष्ण मोहिनी कलर्स टीवी की न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। फुल TRP अगर आपने देखनी है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।